हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। बाई सेलिंग अ टीवी सेट फॉर ₹16,800, सेल्समैन गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट टू एज टू गेन 20%। देखिए, ये काफ़ी कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अगर एक टीवी को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस का 16,800 है और ये 20% का प्रॉफिट करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाकर 20% कर दिया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और बढ़कर कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। तो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस, हमसे न्यू सेलिंग प्राइस कह रहा है जो कि 20% बढ़ा के कह रहा है। तो एक दिमाग लाने वाली बात है कि जब प्रोडक्शन कॉस्ट को 20% बढ़ाया जाता है तो जो अभी का सेलिंग प्राइस है वही प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। बस यही दिमाग लगाने वाली बात है कि सेलिंग ऑफ टीवी 16,800 में कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्शन कॉस्ट 20% बढ़ा दिया जाता है तो फिर तो वही सेलिंग प्राइस ही ना हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉमन सा सेंस लगाइएगा और सीधे से निकालना है कि अब न्यू सेलिंग प्राइस 20% के प्रॉफिट पर निकालना है। तो बस इस पे जो है, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हुए 20% जो है वो इस पे इंक्रीज कर देना है। तो इस पे 20% इंक्रीज करेंगे तो 1680 दूनी होता है 3,360 रुपये। इसको हमको जोड़ देना है इसमें, तो 0683 11 6391 10 और 112 20,160 रुपये यह कुल मिला जुला के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा अगर कॉमन सेंस क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है और आसानी से बना लेना। धन्यवाद।